खबर बहरोज अंकल हमें मिली है जहीन आपा के हवाले से, कुछ कहना चाहेंगे? यकीनन इस वक्त जज्बात हमारा साथ नहीं दे रहे, लेकिन आपके आपसे कुछ सुनना चाहेंगे। ये तो अल्लाह ताला इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है कि हम सबने वापस लौटना है और वक्त मुकर्रर है, लेकिन किसी को पता नहीं सिवाय रब के जी कि कब किसने लौटना है। तो जहीन आपा से मेरा ताल्लुक बहुत पुराना है, इट्स ऑलमोस्ट मोर देन 45 ईयर्स। खुदा की बस्ती एक सीरियल था, उसमें भी मेरी माँ बनी थी ये, और अभी एक सीरियल चल रहा है ARY पे बर्फी लड्डू के नाम से जी, उसमें भी मेरी माँ थी और सारी जिंदगी माँ की तरह रही है। मैं उनसे मजाक भी करता रहा हूँ, मैं बस मैं आपको क्या बताऊँ, काजी वाजिद साहब की डेथ हुई थी अभी जी 2 बरस पहले, तो वो बहुत संजीदा और रंजीदा थी कि भाई काजी चला गया, क्योंकि वो साथी थे सारे, अपने ये जो सारे कॉलीग्स होते हैं जिन्होंने एक अहद इतना वक्त साथ गुजारा होता है। आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि बुशरा अंसारी साहिबा, अभी 2 रोज कबल एक तकरीब हुई जिसमें हम देखते हैं कि ड्रामा इंडस्ट्री फैशन इंडस्ट्री के लोगों को सराहा, उनके काम को सराहा जाता है, तो उसमें भी उन्होंने यही शिकवा किया कि बहुत बड़े बड़े नाम, जो जाहिर सी बात है एक इंडस्ट्री हमारी छोटी सी है, सबको मिलकर आगे साथ रहना चाहिए, उनको एक दूसरे को एक्नॉलेज करना चाहिए, लोग वहां पर मौजूद नहीं थे। आप क्या समझते हैं कि वो अपनाइयत जो हमेशा से हम कहते रहे हैं कि इस इंडस्ट्री का एक तरह से शिवा रही है, वो अब कम होती चली जा रही है? नहीं, ये तो मैं नहीं कहूंगा कम होती चली जा रही है, लेकिन बट इट्स अ वेरी रिजिड वर्ल्ड। हम अभी अफसोस कर रहे हैं, अभी कोई बड़ी खबर आएगी तो जहीन आपा की डेथ की खबर बिल्कुल गायब हो जाएगी। ये आप समझती हो मैं क्या कह रहा हूँ जी, और इसी तरह ये सब। और मैं अभी इतवार को सितरा उनके पास था दोपहर 2 बजे से, और एक घंटा भी नहीं बैठा उनके पास, अफसोस हो रहा है। तो मुझे अभी मेरी वाइफ कह रही थी कि आप तस्वीर ही खींच लेते उनके साथ, मैंने कहा मुझे थोड़ी पता था। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का, और अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह दे। यकीनन एक अहद पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री का आज अपने खिताम को पहुंच